जब आपकी दिन की शुरुआत इतनी सुंदर इतनी प्यारी हो तो सोचो मन को कितना सुकून मिलता होगा। ये चीज मुझे नहीं सोचनी है, आपको सोचनी है, क्योंकि मैं तो अनुभव ही कर रही हूँ। मेरी तो आंखों के सामने ही हर सुबह ये दृश्य रहता है। आज घर पे मेरा दूसरा दिन है, पर मुझे लग ही नहीं रहा है कि मुझे यहाँ पे आए सिर्फ 2 दिन हुए हैं। लग तो ऐसा रहा है कि मैं कहीं गई ही नहीं थी, महीनों से मैं यहीं पे रह रही हूँ। और ऐसा हमेशा अपनेपन की वजह से फील होता है। जो कंफर्ट, जो सुकून, जो खुशी अपने घर में अपनों के साथ में मिलती है ना, वो दुनिया के किसी भी कोने में नहीं मिल सकती है। तो सुबह सुबह उठते ही मैंने अपना बिस्तर बनाया, बाहर आकर के मुझे आग तापनी थी, जिसके लिए मोटी लकड़ियां तो थी बट इनिशियली आग जलाने के लिए छोटी छोटी लकड़ियां चाहिए होती। तो हमारे घर के सामने हमारे ही बहुत सारे सागवान के पेड़ लगे हुए हैं, तो उसके नीचे उसकी छोटी छोटी लकड़ियां गिरती हैं, तो वही मैंने सबसे पहले इकट्ठा करी और आग जला करके मम्मी के साथ में हाथ पैर सेका मैंने। उसके बाद में मैंने अपने बाल कॉम किए, बिकॉज ठंडी के टाइम पे हम ब्लैंकेट सर से ओढ़ते हैं, तो उसकी वजह से बाल पूरे ना बहुत ड्राई हो जाते हैं और फिर बहुत ज्यादा बाल टूटना स्टार्ट करते हैं। एंड विंटर में ऑलरेडी बहुत ज्यादा ड्राइनेस रहती है, तो ज्यादा हेयर फॉल ना हो इस चीज को अवॉइड करने के लिए मैं सुबह सुबह उठती अपने बाल सुलझा लेती हूँ। इसके बाद में मैंने अपने घर के बाहर के एरिया को साफ किया, जिसे हम द्वार बोलते हैं। और जैसा मैंने बताया कि सामने ही सागवान के खेत हैं, तो उसकी वजह से ना बहुत ज्यादा पत्ते झड़ते हैं। जब सुबह उठ करके देखो ना, तो बाहर एक पत्ते की लेयर दिखती है। फिर मैंने अपने सुबह के रूटीन को फॉलो करते हुए 2 ग्लास गर्म पानी पिया सिप सिप करके, और ब्रश करके मैं अपना योगा और मेडिटेशन करने आ गई। तो जब मैं घर पे आई तो ये प्लेस मेरे लिए काफी नहीं थी, बिकॉज यहाँ पे गेंदे के फूल हैं, ये कुछ महीनों पहले लगाए गए हैं। और सच बता रही हूँ, घर आते ही सबसे पहली मेरी नजर इन पे गई थी, और ये चीज देख करके मुझे बहुत खुशी मिली थी, क्योंकि मुझे फूलों से, पेड़ पौधों से एक अलग ही प्यार है। तो ये फूल मुझे बहुत ही ज्यादा प्यारे लगे थे, और उसी दिन मैंने सोचा था कि ये प्लेस मेरे योगा की प्लेस बनेगी। अब योगा करने के बाद में मैंने आज का अपना टू डू लिस्ट बनाया, अपनी मन की कुछ बातें लिखी और ये हेल्दी हेल्दी चने खाए। और अब मुझे जोरों की भूख लग रही थी, तो मैं अपना ब्रेकफास्ट बनाने की तैयारी में लग गई यहीं पे बैठे बैठे, क्योंकि बताया ना मुझे ये प्लेस बहुत ज्यादा पसंद आ गई है और दिन का अधिकतम समय मैं यहीं पे बिताती हूँ। फिर मुझे मिर्चियां चाहिए थी, तो मैंने मिर्ची के पेड़ से कुछ मिर्चियां तोड़ी, धनिया तोड़ करके इकट्ठा किया और मेरा बघार रेडी हो गया था। तो अब मैं इसे अंदर लेकर के जा रही हूँ। जाने से पहले मैं एक बार आपको अपने गेंदे का पेड़ दिखाती हूँ, साथ ही में गुड़हल का भी पेड़ है, बट अभी इसमें गुड़हल लग नहीं रहे हैं। तो आज मैं पोहे बना रही हूँ, और पहली बार मैं इतने दिनों बाद पोहे खाने वाली हूँ, क्योंकि जैसा आपने पिछले व्लॉग्स में देखा होगा, पिछले 3 हफ्तों से मैं सिर्फ ऐसा ही खाना बना रही थी जिससे मेरा पेट भर जाए। और अब मैं थोड़ा सा फ्री हूँ, तो मैंने सोचा है कि मैं इन दिनों में बहुत सारी चीजें बना करके खाऊंगी भी और सबको खिलाऊंगी भी। और थोड़ी देर के लिए मैं अंदर चली गई थी, बाहर आकर के देखा तो यहाँ पे गेहूं पे ये महाशय बैठे हुए हैं। इनको मैंने बोल करके हटाने की कोशिश करी, बट हटने का नाम ही नहीं ले रहे, तो इनसे मुझे थोड़ा सा सख्ती से पेश आना पड़ा। आखिरकार ये हटे गए, बट गेहूं तो खराब हो गया था, अब इसे वापस से धुलना पड़ेगा। थोड़ी देर बाद जब मैं अंदर बैठी थी, तो ये बिल्ली आई, मुझे देखा और तुरंत चली गई। सो मेरे एग्जाम्स के होते ही मैंने डिसाइड किया था मैं कुछ दिनों के लिए एटलीस्ट रिलैक्स मोड में जाऊंगी, तो भी मैंने सोचा है कि मैं 4 से 5 दिन अपनी बॉडी को थोड़ा रेस्ट दूंगी, एंड देन इसके बाद मैं अपनी मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट करूंगी। और ये रेस्ट सिर्फ नाम का ही रेस्ट है, इसमें मुझे बहुत सारे काम करने हैं। और शुरुआत हुई है इस रूम की सफाई से। सो ये वो प्लेस है जहाँ पे मैं अपना स्टडी कॉर्नर बनाने वाली हूँ। और मैं जितनी भी बार यहाँ पे आती हूँ ना, तो मैं स्टडीज तो हमेशा करती ही हूँ, तो मुझे एक प्लेस चाहिए रहती है बैठने के लिए, और आराम से एक कॉर्नर चाहिए जहाँ पे मैं अपनी स्टडीज कर पाऊँ। तो उस जगह को मैं हर बार मेकओवर करती हूँ, और इस बार भी मैं कुछ नया करने वाली हूँ, बट इस बार थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा करूँगी। तो कुछ चीज़ें मैंने मंगाई हैं उसके लिए, और कुछ चीज़ें हम DIY खुद से करेंगे, और इसके बाद फिर यहाँ का मेकओवर करेंगे। लास्ट बार भी मैंने मेकओवर किया था, उसके पहले भी मैंने मेकओवर किया था, एंड लास्ट बार का तो आई थिंक मैंने वीडियो अपलोड किया था, उसमें यहाँ का मेकओवर दिखाया था, एंड उसके पहले भी मैंने यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस किए थे। बट अब ये प्लेस मैंने खाली कर दी है, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो भी चीज़ें पहले से हैंग थी या फिर यहाँ पे स्टिक की गई थी इस वॉल पे, तो वो चीज़ मैंने हटा दी है, और इस बार के लिए मैंने थोड़ा सा अच्छा किया है यहाँ पे। इसलिए हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे बारिश के टाइम पे ना पानी गिरता है, तो उसकी वजह से ना जो भी चीज़ें यहाँ पे रहती है वो खराब हो जाती हैं। तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकते हैं, जो चीज़ें थोड़ी महीने के लिए टिक पाएंगी वही हम यहाँ पे करेंगे। एंड ये जो पीछे पूरी सीलन दिख रही है, ये सिर्फ और सिर्फ बारिश की वजह से ही ऐसा हुआ है। इस रूम में बहुत ज़्यादा शीत रहती है, बट ये एक ऐसा प्लेस है ना जहाँ पे कोई आता जाता नहीं है, तो मेरे लिए इसीलिए बेस्ट प्लेस है, यहाँ पे मैं आइसोलेशन में अपनी स्टडी कर सकती हूँ। अब चलो जल्दी से हम लोग उसका मेकअप स्टार्ट करते हैं। अभी आपने ऐसा देखा है, इसके बाद भी यहाँ का पूरी तरीके से मेकओवर हो जाएगा, एंड आई होप वो अच्छा टर्न आउट हो। एंड ये कुछ पहले के वॉलपेपर स्टिकर या कुछ भी आप कह लो, जो पहले हमने खुद से बनाया था और यहाँ पे स्टिक किया था, दीज वर ऑल्सो रियली गुड। और अगर ये कहीं पे ऐड हो पाएंगे तो मैं इनको ज़रूर ऐड करूँगी, क्योंकि अभी भी ये ख़राब नहीं हुए हैं, बहुत ही अच्छे हैं और बहुत अच्छे भी लगते हैं। तो देखते हैं अभी आगे कैसे क्या होता है। तो चलो मैं नहा करके तो अभी आ गई हूँ, और अब मैं अपना स्किन केयर करूँगी थोड़ा सा, बिकॉज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है,
मतलब इतनी ज़्यादा ठंड पड़ रही है ना कि ब्लैंकेट से निकलने का भी मन नहीं करता, एंड ऐसे में अपनी स्किन का ध्यान रखना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे भी मैं एक ऐसी पर्सन हूँ जो इन सब चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती हूँ, अभी टाइम मिला इसलिए थोड़ा सा दे देते हैं, एंड अगर मैंने अभी नहीं दिया ना तो मेरी स्किन की बैंडविड्थ जानी है, थोड़ी बहुत तो ख़राब हो चुकी है, बट फ्रॉम नाउ आई हैव डिसाइडेड कि मैं अच्छे से अपनी स्किन का ध्यान रखूँगी जब तक मैं यहाँ पर हूँ। तो सबसे पहले मैं ये बॉडी लोशन यूज़ करूँगी थोड़ा सा, ये वाला जो मेरा हाथ है नहीं थोड़ा एलर्जिक है, और इसमें जो हमारे डिटर्जेंट वगैरह होते हैं उससे बहुत ज़्यादा एलर्जी हो जाता है, ये बिल्कुल फाइन रहता है बट ये पूरा ख़राब हो जाता है, तो इस वजह से इसकी हालात ऐसे हो गए हैं, एंड आई एम वर्किंग ऑन दिस एज वेल। और अभी दो तीन दिन तो यही चीज़ें चलेंगी यार, रेस्ट मोड चल रहा है, ऑब्वियसली मैं स्टडी तो नहीं करूँगी। देन मेरे पास है ये एलोवेरा, इसे मैं बहुत ही ज़्यादा पहले से यूज़ कर रही हूँ, इट्स बीन अराउंड 3 ईयर्स जब से मैंने रेगुलर एलोवेरा यूज़ करना स्टार्ट किया है। फेस क्रीम्स तो मैं यूज़ नहीं करती हूँ, बट इस टाइम में विंटर पे यूज़ करना ज़रूरी है, तो मैं नीविया का क्रीम यूज़ कर रही हूँ, बट वो मैं यूज़ करती हूँ नाइट टाइम में, एक बार ये एलोवेरा यूज़ करती हूँ और वो मैं नाइट टाइम यूज़ करती हूँ, या फिर उल्टा चल जाता है, कभी वो दिन में हो जाता है कभी ये नाइट में हो जाता है, तो ऐसे करके ये सारी चीज़ें हो गई। तो अब चलो मैं रेडी हो जाती हूँ, अगर मैं आपके साथ में रेडी होने के लिए बैठ गई ना तो पता नहीं कितना बड़ा वीडियो बन जाएगा, और ये गेट रेडी का ही वीडियो बन जाएगा, आई वॉन्ट टू डू दैट बिकॉज दैट इज़ नॉट माई पर्पस। फिर मैंने अपना लंच किया जिसमें आज कढ़ी चावल और मक्खन था, एंड अब मैं थोड़ा सा बाहर गई क्योंकि मुझे एक वीडियो शूट करनी थी जो कि आपने देख ली है, और मेरा घर ना प्रॉपर गांव में है तो यहाँ पास में ही खेत होते हैं जिसकी वजह से हर जगह हरियाली होती है, और शाम को मैं हर दिन जाकर के यहाँ पे थोड़ी देर बैठ के आती हूँ, बिकॉज जब मैं पुणे में थी तो वहाँ पे मुझे एक एक अच्छी अच्छी प्लेस ना ढूंढ ढूंढ के निकालनी पड़ती थी जहाँ पे जाकर के मुझे थोड़ा पीस मिले, बट यहाँ पे हर जगह आप कहीं भी बैठ जाओ आपको वहीं पर अच्छा लगने लगेगा। पता है मुझे सबसे ज़्यादा अगर सेल्फ केयर में कोई चीज़ पसंद है तो वह मेरे नेल्स की केयर करना, जब मेरा इतना हेक्टिक शेड्यूल नहीं होता था ना तो मैं सिर्फ इसी चीज़ में खोई रहती थी, बट अब पिछले 2 साल से मुझे इन सब चीज़ों का टाइम ही नहीं मिलता है, कभी तो कई कई महीने हो जाते हैं नेल पेंट लगाए, तो अभी मुझे काफ़ी दिनों बाद मौका मिला था तो मैंने अपने हाथ में तो नेल पेंट लगा ली थी, बट मैंने मम्मी के हाथ में लगाई, और मेरा हर बार का है जब भी मैं पुणे से आती हूँ तो मैं बहुत सारी नेल पेंट्स लेके आती हूँ मेरी मम्मी के लिए। तो आज हम यहाँ पे बातें करते करते यही चीज़ कर रहे थे। फिर मैंने अपने लिए फेस मास्क बनाया जिन्हें मैं अपने हाथों पर भी लगाऊंगी क्योंकि ठंड यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पड़ रही है और इसकी वजह से स्किन भी बहुत ड्राई हो जाती है, तो मेरे पास टाइम है तो एटलीस्ट थोड़े दिन के लिए सब चीज़ें करनी बनती है यार। और लास्ट वीडियोस में मैंने अपना हेयर मास्क दिखाया था जिसकी वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आए कि इसे कैसे बनाते हैं आप बता दो, तो उस हेयर मास्क के बारे में मैं आपको आगे बताती हूँ। फिर मैंने अपने लिए कुछ एसेंशियल चीज़ें ऑर्डर करी थी तो वही पार्सल में लेने के लिए गई। ये जगह मेरे को सबसे अच्छी लगती है पता है क्या, और जब मैं वापस आ रही थी तो हमारी दादी के यहाँ पे बहुत सारी गाय और भैंस हैं, तो मैं इन सभी को देखते देखते आ रही थी और इन सब में मुझे सबसे प्यारे ये दोनों लगते हैं, बट मैं इनके लिए न्यू हूँ ना तो ये मेरे से ज़्यादा घुल मिल नहीं पा रहे थे और ये दूर भाग रहे थे, तो मैंने यही वॉलपेपर मंगाया था जो कि आज मुझे रिसीव हुआ है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम उन चीज़ों के बारे में कंप्लेन करते हैं जो हमारे पास अच्छी नहीं होती हैं, फैसिनेटिंग नहीं होती हैं, वी डोंट वांट टू एक्सेप्ट दैट, और हम उस चीज़ को छुपाते फिरते हैं, और शायद ये कभी ना कभी सब करते हैं इंक्लूडिंग मी। जब मैं छोटी थी तो मैंने भी अपने घर के लिए ऐसा ही किया था क्योंकि तब मेरा घर मेरे फ्रेंड्स जितना अच्छा नहीं था, तो मैं उस चीज़ को छुपाती थी, किसी को कभी भी इन्वाइट नहीं करती थी, और अगर कोई आना चाहता है ना तो मैं बिल्कुल मना कर देती थी, बट अब नहीं, जैसे जैसे मैं बड़ी हुई आई रियलाइज्ड आपके पास जो भी है बी ग्रैटिट्यूड एंड प्राउड अबाउट दैट, स्पेशली उन चीज़ों के लिए जो आपके पास सबसे अलग है, या कुछ भी जो भी चीज़ आप सबसे अलग कर रहे हो। कई बार कई लोग अपने पेरेंट्स को लेकर के, अपने घर को लेकर के, अपने कपड़ों को लेकर, अपनी रियलिटी को, अपनी ओरिजिनलिटी को लेकर के बुरा फील करते हैं और उसको छुपाते हैं। जब हम छोटे होते हैं तब ऐसी चीज़ें करें ना तो चलता है, बिकॉज तब हमारी इतनी ज़्यादा समझ नहीं होती है, और मोस्टली बचपन में हम सभी ने किसी न किसी चीज़ के लिए ऐसा किया होगा, बट जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारी मैच्योरिटी लेवल बढ़ती है तो हम ये सारी चीज़ें रियलाइज़ करते हैं कि ये चीज़ें गलत हैं, बहुत ही ज़्यादा गलत, और ये बहुत ही बुरी आदत होती है कि आप छोटी छोटी चीज़ों की कंप्लेन करते हो। अगर आप किसी चीज़ को चेंज नहीं कर सकते हो ना तो प्लीज़ उस चीज़ के बारे में कंप्लेन मत करो, बिकॉज ये जो हमारी कमी निकालने वाली आदत होती है ना, ये हमेशा हमें परेशान करती है, हमेशा हमें नेगेटिव फील कराती है, तो इस चीज़ से ना जितना दूर रहो, जितना जल्दी रियलाइज़ करो कि जो आपको मिला है, जैसा भी मिला है, वो बेस्ट है। लाइफ में ना सेल्फ एक्सेप्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और उसमें ना आपकी सारी चीज़ें आती हैं, मटेरियल इमटेरियल दोनों। जब आप किसी भी चीज़ को ना एक्सेप्ट करते हो तो उसके बारे में प्राउड फील करते हो, ग्रेटफुल रहते हो, खुश रहते हो उस चीज़ के साथ में, और उसको प्राउडली सबके सामने इंट्रोड्यूस कराते हो, बिकॉज वो चीज़ आपकी अपनी है तो आपको उसके लिए कभी बुरा लगना ही नहीं चाहिए। अगर आपको कुछ चीज़ें पसंद नहीं है बट आपने उसको एक्सेप्ट किया है कि हाँ ये चीज़ ऐसी है, तो आप उसके ऊपर ना काम करने का सोचते हो कि अगर ये चीज़ चेंज हो सकती है तो हम इसके ऊपर काम करके इस चीज़ को अच्छा बना लेते हैं। वहीं जब आप नेगेटिव होते हो चीज़ों के बारे में तो आप उस चीज़ों को दूर करना चाहते हो, बट कुछ चीज़ें कभी दूर नहीं हो सकती हैं, जैसे आपका घर है, आपके पेरेंट्स हैं, आपकी रियलिटी है, ये सब हमेशा आपके साथ में रहेंगे, चाहकर भी आप इसे अलग नहीं कर सकते हो, तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करो और खुश रहो उसमें।
इस वॉल पे जो मैंने वॉलपेपर मंगाया था उसके पीछे का जो पेपर था उसको मैंने स्टिक कर दिया है, सो दैट जो भी सीलन हो उसकी वजह से हम जो चार्ट पेपर स्टिक करेंगे अभी वो ख़राब ना हो। सो अभी ये स्टिक हुआ है पूरा इतने सारे एरिया में, एंड बाकी एरिया बचा है तो अभी उसको मैसेज छोड़ देंगे, बाद में उसको देखेंगे। तो अभी हमारा जितना काम था उतना हो गया है, एंड अभी हम जो ये वाला चार्ट पेपर है जिसमें स्टेंसिल से ये हमने प्रिंट्स बनाए हैं, सो नाउ अब हम इस चार्ट पेपर को इस वॉल पे स्टिक करेंगे थोड़ी देर बाद, बिकॉज ये जो ग्लू मैंने यहाँ पे चिपकाया हुआ है ये पूरा थोड़ा सा सूख जाए, देन हम ये वाला यहाँ पे स्टिक करेंगे। तो थोड़े टाइम बाद ये सूख गया था, एने के करके मैंने सारे चार्ट पेपर स्टिक करना स्टार्ट किया और वॉल पे स्टिक होते ही लग ही नहीं रहा था कि ये चार्ट पेपर्स हैं। सो दिस इज़ अ टेबल ऑन विच आई विल बी स्टडिंग, बट दिस इज़ नॉट माइन। सो ये ऐसे कार्टून वाले टेबल्स हैं, दो आई लाइक बार्बीज एंड ऑल अ लॉट। मतलब बचपन में तो आई वॉज रियली फॉन्ड ऑफ दीज थिंग्स, अभी भी मैं हूँ, बट यू नो दिस लुक्स वेरी चाइल्डिश, तो दैट्स वॉट इसका भी मुझे थोड़ा सा मेक ओवर करना पड़ेगा। ये भी हर बार ही होता है एंड इस बार भी होगा, बट हर बार मैं क्या करती थी, जो ये बेस है ना यहाँ पे मैं चार्ट पेपर में कुछ भी ड्रॉ करके या फिर कुछ भी शीट्स यहाँ पे ऐड ऑन कर देती थी, मतलब स्टिक कर देती थी, बाकी जो ऊपर का एरिया है ये वैसे ही रहता था। बट दिस टाइम व्हाट आई हैव थॉट, ये जो ऊपर वाला एरिया है इसमें स्क्रू है, इनको मैं निकाल करके ना अलग से रख दूंगी, बिकॉज मेरा भाई ये इसको यूज़ ही नहीं करता है, वो इस पर नहीं पड़ता है, जब भी मैं आती हूँ तभी ये काम पे आता है, वरना इसके ऊपर कुछ ना कुछ रखा ही रहता है, एंड जो इसका नीचे का भी बेस है वो काफ़ी ज़्यादा गंदा हो गया है। तो इसके लिए मैंने ये वाला पेपर है वो बनाया है, एंड इसको ही हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे। तो और बाकी कुछ नीचे बुक्स हैं इनको मैं हटा करके यहाँ पे अपनी बुक्स रखूँगी, एंड ये वाला हम भी रिमूव करेंगे। तो चलो इसका ही काम अब बस बचा हुआ है, बाकी सारी चीज़ें हो गई हैं, तो आई डू दिस एज वेल सो दैट आज का काम हमारा पूरा कंप्लीट हो जाए, हम इस चीज़ से फ्री हो जाएं। और ये इतना बड़ा दिख रहा था, बट इसमें टोटल 5 स्क्रू थे और एक एक करके मैंने सबको निकाल दिया और फाइनली इसे टेबल से अलग करके जो मैंने अपना चार्ट पेपर पे प्रिंट बनाया था उसको अच्छे से रखा यहाँ पे। सो ऐसा कुछ मेरा टेबल टर्न आउट हुआ है, सामने वॉलपेपर भी बहुत अच्छी लग रही है और सामने की साइड में जो मैंने चार्ट पेपर से वॉलपेपर बनाया है उसको लगाया। सो ये वाला जो हमने अपना DIY किया था वो ऐसा कुछ टर्न आउट हुआ है, एंड आई रियली लाइक इट। एंड मुझे ये वाला साइड भी कवर करना था, बट मेरे पास चार्ट पेपर ही कम पड़ गए। लाइक मैंने 6 चार्ट पेपर्स लेके आए थे जिसमें से 4 मैंने यहाँ पे स्टिक कर दिया है, एंड बचे 2 उसमें से मैंने एक टेबल के लिए यूज़ कर लिया, एक बचा हुआ है सो उसको मैं स्टडी पर्पज़ के लिए यूज़ करूँगी। और जब भी मैं नेक्स्ट टाइम मार्केट जाऊँगी तो 2-3 चार्ट पेपर्स लेके आऊँगी, बिकॉज स्टेंसिल तो मेरे पास रखा है एंड फिर यहाँ पे भी ये वाला वॉल भी कवर कर देंगे, तो देन आई थिंक इसके बाद में ये वाला कॉर्नर बहुत ही प्यारा लगेगा। तो वो चीज़ तो आज नहीं हो पाएगी, बट जब भी कंप्लीट हो जाएगी डेफिनेटली आई विल शो यू दैट एज वेल। यहाँ पे मैंने चीज़ें चेंज करके रख दी है, ये मेरी डायरी है और ये सामने मेरी सिस्टर का पाउच है जो कि मुझे बहुत ही पसंद आया, मैंने बताया ना मुझे बार्बीज बहुत पसंद है। सो दीज टू आर द ओनली ट्रॉफी विच आई हैव वॉन ड्यूरिंग माई स्कूलिंग। एक तो पहला जो मैं फर्स्ट टाइम अपनी फैमिली से दूर गई थी तो ये इंटर GIS कॉम्पिटिशन था उसमें मुझे मिला था, एंड दूसरा मुझे 11th स्टैंडर्ड में एज अ क्लास टॉपर मिला था इन कॉमर्स सेक्शन, एंड इन 12th स्टैंडर्ड कॉमर्स सेक्शन से मैं ही टॉपर थी, बट वो वाली ट्रॉफी ना मुझे मिल नहीं पाई, एज स्कूल का मेरे से कोई कॉन्टैक्ट नहीं हो पाया था क्योंकि मैं वहाँ से शिफ्ट हो गई थी, सो वो चीज़ तो मुझे मिली नहीं। बाकी यही 2 ट्रॉफीज़ हैं जो मैंने अपनी स्कूलिंग में अचीव किया है। और मैं जा रही हूँ वहाँ पे हेयर मास्क बनाने के लिए, साथ में आपको बताती हूँ कि आप कैसे अपने बालों की केयर कर सकते हो। सबसे पहले प्लीज़ टाइम निकाल करके वीक में 2 बार ऑयलिंग करनी ही है, एंड ऑयलिंग के बाद ही मास्क लगाना है। इस मास्क को बनाने के लिए एक पतीले में 1 ग्लास वाटर डाल दीजिए, उसके बाद में 2 चम्मच अलसी, 1 और 1.5 स्पून राइस, उसके बाद में 1 स्पून मेथी जिसे हम फेंगुरिक सीड भी बोलते हैं, एंड 1/2 स्पून कलौंजी जिसे मंगरेल भी कहते हैं, समोसे में ये जाता है। अगर आपके पास हिबिस्कस फ्लावर या उसके लीव्स हैं तो आप उसको भी ऐड कर दीजिए, और 1/2 ग्लास वाटर ऐड करके इसे 10 से 15 मिनट लो फ्लेम पे पकाइए जब तक इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी थिक ना हो जाए। देन गैस बंद करने के बाद इसको तुरंत ही छान लीजिए, वरना ये बहुत स्टिकी हो जाता है, एंड आफ्टर दिस इसे आपको 1 घंटे के लिए रखना है, उसके बाद यू कैन वॉश योर हेयर्स। एंड मैं काफी टाइम से खादी का शैम्पू और कंडीशनर यूज कर रही हूँ, दिस इज अ नेचुरल शैम्पू एंड कंडीशनर। और हाँ, इस मास्क को यूज करने के बाद आपके हेयर स्मूथ होंगे, और अगर आपको सीवियर हेयर फॉल हो रहा है तो आप इसमें ना 8 से 10 स्ट्रैंड्स कड़ी पत्ते के डाल दीजिए। और फाइनली अपना हेयर वॉश करने के बाद में मैं फिर से एक बार खेत की तरफ जा रही हूँ, बट इस बार मैं कुछ काम से जा रही हूँ, तो हमारे यहाँ पे चने की साग बनती है, और साग बनाने के लिए पहले चने की भाजी को लेकर के आना पड़ता है, तो मैं और मम्मी गए थे, पर मैं पहली बार तोड़ रही थी, बट धीरे धीरे करके मैंने बहुत सारी इकट्ठा कर ली। इतनी सारी इकट्ठा करने के बाद हम घर के लिए वापस निकल गए, घर आकर के मैंने शाम की पूजा करी और फिर मुझे वापस भूख लगना स्टार्ट हो गई, तो अपना डिनर बनाने के लिए चली गई। तो आज मुझे सूजी की इडली बनाना था, जिसके लिए मैंने सूजी को दही में पहले से भिगो करके रखा था, उसके बाद मैंने इनो ऐड किया, और हमारे पास इडली मेकर नहीं है तो मैंने जितने भी बर्तन थे उनसे ऐसे जुगाड़ लगाया और चूल्हे पे इडली को पकने के लिए रख दिया, और थोड़ी देर बाद ये खाने के लिए रेडी हो गया। सो दिस व्लॉग एंड्स ओवर हियर, आई होप यू लाइक द व्लॉग, एंड कमेंट करके जरूर बताना कि आज का मेकओवर कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल हियर, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड कीप स्माइलिंग एंड शाइनिंग।